इंडस्ट्री में बहुत सारा प्लेजरिज्म हो रहा है, क्या ये हो रहा है कि एक लैक ऑफ आइडियाज है या ओरिजिनलिटी नहीं है, क्यों होता है ये प्लेजरिज्म ऑफ स्क्रिप्ट्स, पूरे फ्रेम टू फ्रेम पिक्चरें कॉपी हुई जाती है? कंपल्शन भी है, लोग फिल्में जो है सिर्फ मतलब बहुत सारी वजह है, लेकिन एक ये भी है कि फिल्में लोग सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है या कुछ फिल्म बनाने को है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको रोजी रोटी भी कमानी है, एक कंपनी चलानी है, कुछ पैसे कमाने हैं, थोड़ा रोटी खानी है, थोड़ी मलाई भी खानी है, इसलिए भी लोग फिल्म बनाते हैं। तो जब ये कंपल्शन होता है तो फिर अगर ओरिजिनल ख्याल नहीं आ रहा होता तो आप चोरी कर लो, वो ग्रीड है। एक म्यूजिक डायरेक्टर साल में कितनी ट्यून्स ओरिजिनल सोच सकता है? 10-12 महीने में एक आध, कोई जीनियस है क्या, कोई मतलब बिटोवन है क्या? तो लेकिन उसको अगर सक्सेसफुल जब हो जाता है वो, तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो 50-60-100 ट्यून देने साल में, तो क्या करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं इतना काम करना। अगर आप काम तब करें जब आपके पास फिल्म रेडी हो। लोग कहते हैं कि आप ये फिल्में इतनी कम क्यों बनाते, लेकिन 9 फिल्में ही ख्याल आई थी तो 9 फिल्में ही बनाए। अगर कंपल्शन ये है कि अभी जैसे आजकल है कि 5 फिल्म डील कर लो, 10 फिल्में बना लो, तो वो तो फिर आपको चोरी करनी पड़ेगी, आप वैसे तो नहीं बना सकते। लेकिन एथिक्स होने चाहिए, एथिक्स ही होने चाहिए कि अगर आप किसी का काम उठा रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए और उसको पैसा देना चाहिए।